नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेरिस के ऊपर या छत के ऊपर ग्रेनाइट का टॉप डलवा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी ले सकते हो। हमने पी वाइट पत्थर के द्वारा छत के ऊपर टॉप को पेस्ट किया गया है। पी वाइट पत्थर की प्राइस है 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसमें टॉप में हमने दोनों साइड मोल्डिंग की हुई है, हाफ मोल्डिंग जो देख सकते हो दोस्तों आप। जब भी आप छत के ऊपर, जैसे छत में धूप रहती है उस जगह आप टॉप को पेस्ट करवा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी। जब भी आप टॉप को पेस्ट करवाओ तो उसमें हमेशा ग्रुप दे। यहाँ पे हमने जो टॉप पेस्ट किया गया है इसमें ग्रुप मिस्त्री के द्वारा ग्रुप नहीं दिया गया है। अगर ग्रुप देने से क्या फ़ायदा है, न देने से क्या फ़ायदा है, जैसे पत्थर में हमेशा आयरन की मात्रा रहती है तो आयरन की मात्रा रहने से सर्दियों में पत्थर क्या करता है, सिकुड़ता है, और गर्मी जैसे धूप रहती है धूप में वो पत्थर आयरन की मात्रा रहती है, इस वजह से पत्थर फैलता है। जब आप जैसे 2 mm का ग्रुप या 3 mm का ग्रुप देते हो तो उससे वो ग्रुप के अंदर अगर सिलिकॉन भर देते हैं, सिलिकॉन में प्लास्टिक की मात्रा रहती है तो जब पत्थर फैलता है तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, और पत्थर जैसे फैलता है तो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। तो जब भी आप ग्रुप के अंदर पत्थर को पेस्ट करवा रहे हो तो आप ग्रुप जरूर दें। ग्रुप के अंदर हमेशा ग्राउटिंग फोक्सी न करवा के हमेशा उसमें जिस कलर का आपके पास पत्थर है उसी कलर की हमेशा सिलिकॉन भरवा दें। इसमें पूरे टॉप के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों पूरी रेलिंग पेस्ट की गई है। बरसात में जैसे जंग ना आए इस वजह से पूरी स्टील की रेलिंग को हमने पेस्ट करवाया है। अगर YouTube चैनल पे आप नए हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।